इतर मांग दल का देता नोली अकल है ये लाई और खिना पूरी वह मजा आ गया। ये देखो ये हमारी लाई है, ये अभी इतनी बड़ी हो गई है, अभी किसी की लगी नहीं है क्या? हमारे और क्या इतने बड़े हेलो गाइस, आज का ब्लॉग में मेरा स्वागत है। सौरभ का नल गुणा था, सौरभ ने आप ब्लॉग में बोलूनी, ये है पहाड़ी भाषा। आज ब्लॉग में मेरा स्वागत है वाली स्वागत ना, आज ब्लॉग में बोलूनी ना, तू लोग आज का ब्लॉग में मेरा स्वागत है। अरे तूने ऐसा क्यों बोला? हम जा रहे गाँव, आप मम्मी बनाएगी ब्लॉग, ठीक है? आप मम्मी को दे रहा हूँ मैं, कैसा ब्लॉग बनाती है। ये आ गई और सबसे पहले ये दाछुल कारिन ने और दाछुल कारिन अड्डे दिखो तुम का, ठीक छू? और आजकल चल लो की चल लो मम्मी क्यों को नहीं को क्वाल मेहनत को नहीं असोच का मेहनत पहाड़ी के लिए कष्ट कैसा होता है? बहुत ही कठिन होता है। और क्या होता है? गाजो काटन अलग करूँ, साग बड़े अलग करूँ, क्यों नहीं भटमास अलग करूँ, नी क्या काटन अलग करूँ, नी चलो मैं दिखाता हूँ उनको। पहले सबसे पहले द्राथी कारी जाएगी और वहाँ पर हर घर कोई काटता है और असुच के महीने में द्राथी कारना जरूरी है। ये यहाँ पर है दाछुल, मतलब ये द्राथी को करने वाला, धार बनाने वाला। सभी लोगों ने यहाँ पर धार बना रखा पहले से, देख लो तुम ये इतना इधर कह रहे हो, सबने यहाँ पर धार बनाते हैं द्राथी का। जो भी मतलब गाँव को जाता है घास काटने, जो भी कहीं भी जाता है घास काटो असूचो मेहनत चल दी, तो यहाँ पर अपनी द्राथी को रगड़ते हैं, मतलब धार बनाते हैं जैसे ये बना रही है। ज्यादा तिखु भैया आंव काटी जाना, ये आंव काटी हुई हो। उसका महीना चल रहा तो सामने देखो सब भयंकर घास घास काटने में लग गया। सब अभी अपने घर से खाना आना खा के लग गए होंगे सब घास काटने को, कोई इधर कोई उधर घास काटने, मतलब जान लग गए होना सब अब काम में। मतलब ये देखो ना मानन पड़ो लिया है इनका, इतर मांग दड़का देता नो लिख ले है, रत्ती ब्याड़ भर रोड भचक गए मांग का दड़का दे, मतलब काट दे। मतलब ये पहुंच गए हम घर, ऊपर पे घर है, पहुंच गए। और क्या बोलना चाहती है? क्या बोलूं? चल अभी ब्लॉग स्टार्ट करेगी ऊपर से, अब ढंग से बोलना है। हेलो गाइस वाल, हेलो गाइस, आज का ब्लॉग में मेरा स्वागत। तेरा स्वागत नहीं, आपका स्वागत है वो। अच्छा तेरा को आपका स्वागत अच्छा। है हेलो गाइस, आज का ब्लॉग में तुम्हारा स्वागत है। आप धार, अरे यार कुछ तो कब मर्जी क्या, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज हम सब्जी तोड़े सब्जी बो रहे सब्जी बो रहे लाई है कमेंट, ये क्यों हो रहे? ठीक छू, चलो जितना सीखी हल्के हल्के सिखाऊंगा। अरे सीख जा ली, थोड़ा इंग्लिश में बुला तो, इंग्लिश ले सिखाऊंगी मैं तो हल्के हल्के। इंग्लिश स्कूल भेजेगा फिर? स्कूल थोड़ा ना, यस को इंग्लिश, यस कौन है? हेलो गाइस, टुडे इज माय न्यू व्लॉग, बोल। हेलो गाइस, तुझे मिलोग फिलोग कहना, टुडे इज माय न्यू ब्लॉग। कोशिश तो कर बुलाना, तू इतना मतलब क्यों घबरा रही, बोलने की कोशिश कर, क्या पता बोल सकती है। हेलो गाइस स्वागत, हेलो गाइस टुडे इज माय न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस टुडे मीट न्यू नया सरो, एक बार आए को। हेलो गाइस टुडे न्यू ब्लॉग, हां ये बोल तो दिया तूने, इतना सिंपल तो था टुडे न्यू ब्लॉग। तो क्या करना है, सब्जी का ढूंढना है, क्या ढूंढना है? तो मम्मी अभी क्या है, मम्मी का परसों हाथ कट गया था ये घास काटते हुए, तो करती क्यों ऐसा काम? ऐसा हुआ है, तू करती क्यों ऐसा काम, दिखा तू करती क्यों ऐसा काम फिर? तो ढंग से नहीं काट सकती, मैंने इसको 10 बार बोला कि अगर घास काटते समय ढंग से काटा कर, उंगली कटी है। काफी लोग वीडियोस में, जब शॉर्ट वीडियो आ रही थी, लोग बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि आंटी के हाथ में क्या हुआ, आंटी की उंगली में क्या हुआ। तो परसों घास काट रही, इसको मैंने 10 बार बोला, जब काटते हो ढंग से अपनी गलती मत मानना। तो मम्मी आई अभी यहाँ और ये तो मैंने बता दिया, थोड़ा ढंग से काटा कर घास, देखा कर। ये ताई जी के लिए दही लाई है, उसको दही कब देगी? तू दे में की दू, तू दिए तू कहता तस। ओ दीदी ये मतलब ताई जी लोग आजकल गाय बच्ची मतलब ब्यानी के कौन होगा ना, मतलब आजकल दूध दूध नहीं दे रही, तो मम्मी नीचे से हमारे वहाँ से दही लाई है। ताई जी कह रही थी दही खिलाना करके, अब मम्मी को ना वहाँ जाऊंगी मैं दही लेके। वैसे भी दुखी है, ठंडा लगेगा तो बीमार हो गया कहेगी, दही तो ले जा रही हूँ मेरे को, वो भी डर लग रही है। हाँ तो मम्मी को ओ दी लच्छा खुद अब है। तो मम्मी के ना गांव के अलग ड्रेस रहते हैं, गांव घर आके जब मैं ब्लॉग बनाता ना, मम्मी कभी अलग ही कपड़ों में रहती है, मैं गांव के ड्रेस में बना लेता हूँ मम्मी के, तो मम्मी वो चेंज कर देती है मेरे वीडियो बनाने से पहले। आज मैं चेंज नहीं करने दूंगा, ठीक छो, आज पहले मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा।
और अभी हम जा रहे हैं ताई जी को दही देने, दही चल रहे फिर। और यहाँ हाजिरी के ये मतलब ये पेड़ हमने बहुत लगा रखे हैं यहाँ चारों तरफ, भी दीपावली तक ना इतने फूल हो जाते हैं ना यहाँ बहुत मजे से, मतलब दीपावली के हमको खरीदने की जरूरत नहीं रहती, बाहर से फूल फूल ही फूल हो जाते हैं। अभी दीपावली के लिए रिक्खू के पेड़ देखो, ये भी हमको जरूरत नहीं है, ये मतलब ये बोलते हैं गन्ना के पेड़, हमारे पास गन्ना के पेड़ भी है, लक्ष्मी की पूजा होती है ना, तो हमारे सब मतलब यहाँ सही है, मतलब ये लाइव और ना पूरी वह मजा आ गया, ये देखो ये हमारी लाई है, ये अभी इतनी बड़ी हो गई है, अभी किसी की लगी नहीं है क्या, हमारे और क्या इतने बड़े हैं, ये पूरी लाई है, लाई के पेड़ देखो ये सब इसकी मेहनत है, हैं तभी तो मेहनत करके तो ये गाय बच्चे के लिए बना रखी हमने हमारे गोर खाल वो हरी साग अब तीन खाना है आजकल, जब वो बियर हो तो एक साल तक में हरी साग टपकी हो, तो ये पूरी लाई लगा रखी हमने देखो, चलो चलो ताई जी के वहाँ चलते हैं, पहुँच गए कहाँ को दी, ताई जी लोगों का नया मकान बना है ये, ओ दी दी लोगों बढ़िया हो रहा है, ताई जी लोगों ने नया बना रखा है कमरे अमरे, पहले यहाँ दूसरा था, बहुत प्यारा बना रखा है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना रखा है ये किचन का, बढ़िया लगा रखे है, बढ़िया 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 बड़ा रखा है, मजा हुआ यार, बढ़िया है रो भल्ला हुआ, और पर्दे पर्दे भी अच्छे लग रहे ना डिजाइन में, चल भी चल 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 इसने दे दिया लो, अब जानू हम तेल वाल घर पे लिया बड़े घर में टिकूंगा चापन, ये ताईजी लोगों के खेत है यहाँ पर से, बीच में जो तुमको ये रूल जैसा दिख रहा है ये पत्थर रखा है, यहाँ से हमारा खेत है, यहाँ पर से पार्टीशन हुआ, ये पत्थर हमारे बूबू के बूबू ने रखा, ये पत्थर हमारे बूबू के बूबू ने रखा, उस समय नाती पोते बहुत हरामी थे, तो उन्होंने कहा बाद में झगड़ा ये ढूंढ डाल दिया बस तुम्हारे इतखबा अमर यस कर दिए, ये हमारे लाई बिछा रही इनर के लाग रही है लाई सुने इनर आज तक न भाई, हम भूतकार भैया ना, और थोड़ा सा गांव में आके काम स्टार्ट हो गया, अब इसमें से थोड़ा पानी लगाने हैं, ऊपर जो लाई के खेत दिखाए उधर पानी डालना है, और सबसे पहले पाइप ही है, पाइप से जाएगा पानी ऊपर, और थोड़ा सिंचाई होगी क्योंकि सिंचाई का टाइम आ गया उनका, अब देखो जैसे ये नल है अब इसमें हम पाइप भी लगाएंगे तो पानी ऑन कैसे होगा, इसका ऊपर का ये है जो है ये खोलने वाला टूट गया, तो अपने पास इसका पुराना नल पड़ा है जो थोड़ा सा खराब हुआ था वो लगाते हैं, उससे कुछ होगा देखते हैं, ये भयंकर बताओ ये नल निकाल दिया मैंने, नल टूटा है, ये वाला नल लगा रहा था ये भी टूटा है यहाँ पर से देख सकते हो, तो अब ये भयंकर इसमें कैसे लगेगा ये पाइप, बहुत तेज है, तुम्हारी वहाँ तो बहुत ही सब्जी है बोल, पर ये मेहनत कैसी लग रही है देखो तो पहले, अब क्या करना है, घूम रहा है अभी 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 मैं यहाँ से चलते हुए आ रहा था, और अचानक मतलब यहाँ पर मैं इधर नान चीज दिखाऊँ, परसों यहाँ सांप दिखा दो तब से मेरे को डर लग रही थी, और अभी ये दिखा दो और मैं एकदम डर जैसा गया, छोटा सा था लेकिन डर जैसे, मैंने कहा सांप का बच्चा जैसा गया है, ये तो अमा वहाँ को नहीं आता कितौल, नानू नानसू कैसी वो करना यार, देखो ना मेरे को इससे डर भी नहीं लगती, मैं तो कहा हाथ अल्ला पकड़ दूँ, देखिए ये भयंकर कैसा पहाड़ी है भाई, इसी चीज़ को पकड़ लेता हूँ, लेकिन सांप से डर लगती है यार, वो अचानक दिखता है उसका कुछ छोड़ना पता है, कब कल डंक मार दियो, ये आगे इंजीनियर, ये इसका नल यहाँ पर से लग नहीं रहा फट गया, तो अब इसका इंजीनियरिंग दिखाना, पहाड़ी इंजीनियर है ये, अब देखना इसका दिमाग, ये आजा ये देखो हमारे पहाड़ी जुगाड़ क्या क्या होता है, अगर जैसे नल टूट गया नल फट गया तो हमारे पहाड़ी जुगाड़ दिखूंगी तुम्हारे का, ठीक छू नहीं कर रही नहीं हुआ, अरे नहीं हो रहा बोतल का भी, ये मिशन भी फेल हो गया, अब जैसा करती कर, ये पहुंच गया हम ऊपर छत में सबसे ऊपर, ये रहा सिंटेक्स में, यहाँ से रहा कुछ बागेश्वर का और तगड़ा नज़ारा आता, देखो हाय 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 हाय, ये देखो सोच का महीना अलग चल रहा लोगों का, सबसे खतरनाक हो रहा है, ला इधर ला मेरे को दे पाइप, यहाँ देना है, अब कहाँ लगा ली मैं दिखूँ, तो यह भी ढेर लोगों ने बढ़ाया हो, यह भी ढेर पर जो पानी इसके अंदर आता है नीचे से पानी, क्यों नहीं लगा रही है अब नल बताया बोल, उसके अंदर नहीं है नल जैसा टोटी जैसा नहीं, इसने कहा ऊपर से अंदर टोटी होगा बोल, कहाँ से होता है उसके अंदर टोटी, अब जा रही है अब वापस नीचे लगाने, क्या है मोटी बुद्धि की, अरे भर गया वो भर गया बोल रहा हूँ, इसको मैं तब से इतने अच्छे आइडिया बता रहा हूँ, सीधे यहाँ पर से नगर लगा पानी है, इधर से लगा ना, इसको अपनी मर्जी की रहती है, इधर से लगा कह रहा हूँ नल है बढ़िया से यहाँ पानी आता है, ये इधर से लगा ले बोल रहा हूँ तब से समझ नहीं आ रहा था, चल फिर अपने जबरदस्ती करते हैं ना, ये औरतों का यही होता है,
पहले मैं जो मैंने बोला वो हाँ लगा रहा हूँ, समझ गई छाना तुम? लग गया पानी बस, इतना सा था ये। इधर लीजिए तो, बस साइंटिस्ट वाला दिमाग ने लगाया कर मिल 10 बार को रखो तुम्हें। हटो हटो काम। अब यहाँ पर से थोड़ा साफ सफाई होगी इस खेत की, क्योंकि इस खेत में लगेगा क्या लगेगा मम्मी? इसमें पालक, पालक को अलग लगेगा, इसलिए खेत ऐसा हो रखा तो थोड़ा साफ सफाई होगी। और थोड़ा सा करते हैं ये, थोड़ा ड्रेस चेंज करेगी, उससे पहले मैं बना देता हूँ कुछ कॉमेडी वाली वीडियो, उसके बाद साफ सफाई करते हैं। खेत वेत के काम हो गए और थोड़ा सा काम आम हो गया, थोड़ा सा ये साफ सब्जी लग गई। और अभी आजकल गर्मी है बहुत, थोड़ा सा गर्मी भी हो रही है दिन में बहुत ज़्यादा, और सुबह थोड़ा ठंडा हो रहा है। और ये मम्मी ये मम्मी की शादी का सोफा है ये, बताओ अभी तक मतलब कितने साल हो गए मम्मी इसको? इसको हो गया 30-40 साल। ये देखो 30-40 साल में इसके भाट टूट गए यहाँ पे। 35 साल हो गए मम्मी की शादी को तो। और ये सोफा तब मिला था, दहेज में मिला था। अमरूद कुन पानी में अमरूद जो कुनाल क्यों पावा भरा मतलब हमारे वहाँ भरा को बोलते हैं तुम्हारे वो बागला रो बेग गाजो काटो जो दिन बैठे आऊ काटी पड़ो क्यों तो चाण रीन मम्मी अमरूद ले रही हो बा क्या चा काट रहे एक यो पिछाड़ बा कुकुर जे मैं दगर लाग गया रुयो ना काम करो दिन में का ए दबा लाई गल कुलूना रो पांटो नल टूट गो घर बगल क्या करो ए सासू जस गए ठोकना ठोकना बुत कर गाजो खाड़ना बुढ़ी केनो कोनो झुटला ना ना सासू बुढ़ी तो बारे बेटी फोन करना गाजो ने काटा होला गोदू क्या करो होला साग ने बोया होला किस किस की साज है कच कचवा वो बता देना शेयर शेयर कमेंट जरूर कर देना ये लाइव भी कर देना ज्यादा कॉल हो तू किस किस की सास ये बताना कच कचू सास कच कचाट करने वाली है तो यार ऐसी हो रहा गांव में थोड़ा सा तो धूप लगी है जस कौन है तो इसमें केले लग रहे हैं ये केले मम्मी कब तक बड़े हो जाएंगे जो इसमें लग रहे बात। बड़े हो जाएंगे ना तीन बात और क्या होनी हमारे के बताऊं लोग कारपेट से पकाते हैं हमारे क्या होता है इतनी धूप पड़ी है ना वैसे ही पक जाते इधर वैसे ही पक जाते हैं मतलब देख रहे हो ये इतना है मतलब ये देसी केले वो 50 रुपए 50-60 रुपए दर्जन मिलनी ना मिलते है उससे आदमी फूल जाता है घर के केले से हमारे घर के केले हमारे घर के केले होते हैं उसमें बहुत प्रोटीन होता है बहुत मतलब घी में भी डालो हाँ हमारे वहाँ सबसे ज्यादा वाले केले कैसे खाते हैं घी में भी डालते हैं उसको ना वैसे क्यों नहीं होगा क्वाल को नहीं क्वाल क्या होगा नहीं पहाड़ी क्याल मतलब वो दह क्या होगा नहीं घी क्या हो दह क्या हो घी क्या हो दूध क्या हो बहुत प्रोटीन होती है ना तुम भी खाई बचपन में बहुत पर तू लगड़ जी की लहरी है तू गिरने बीच में मोट मजबूत हो रहा तभी तो इतना काम कर रही हूं सब्जी अब्जी लगा रही हूं तो ऐसे हमारे घर में अभी ये सारे जितने हैं सब उच्च फेंकेंगे इसको कल परसों को फेंकेंगे अभी तो इतना काम नहीं हो सकता है अभी बहुत थकान लगी ये जितना है पूरा खराब हो गया इसके अंदर होंगे लकड़ी जो ऐसे लगाएंगे जिसमें सारी बेले गई है तो सारा निकालेंगे इसको फिर पूरी खेत की सफाई होगी फिर इसमें लगेगी क्या बोल रही थी मम्मी आ गई हरी सब्जी लगेगी कहीं यहाँ लगी है जैसे हरी सब्जी और ऊपर खेत में दिखाई थी तो ऐसे लगाल मजाल जस्तु यहाँ पे अभी सफाई करते हुए हमको खेत की मतलब जो मैं बता रहा था ना जो बेले निकाले थे हम सफाई कर रहे थे खेत की तो उसमें कुछ इसको ये मिले होंगे एक करेले इसमें दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे ये हरा है पूरा तो ये हल्का हल्का पीला हो गया धूप के कारण हो गया पीला ये होंगे बेलों के अंदर ये बेलों के अंदर होंगे मतलब जब बेले ऊपर से जारी होंगे ना ये अंदर लटके होंगे तो ये है थोड़ा ये मतलब पूरा हरा हो रहा और जो ये है ये ऊपर होगा ऊपर बेलों के ऊपर यूं दिख रहा होगा धूप से पीला हो गया और खराब भी होता है खराब हो जाता है फिर अगर धूप में ही रहेंगे तो पीले हीले खराब हो जाते हैं ना पकने का मतलब अजीब सा हो जाता है फिर कोई बात नहीं पक भी जाए तो फिर भी खराब नहीं अपने लिए क्या होगा इसके अंदर से बीज बनेंगे फिर उसको लगाएंगे फिर उससे और पौधे बढ़ेंगे तो ऐसे यार गांव का मतलब गांव के पहाड़ी फैमिली मतलब और पहाड़ी जो हमारे लाइफस्टाइल होती है वो ऐसी होती है
और हर पहाड़ी की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, और सबसे बेस्ट लाइफ स्टाइल हमारी सबसे बढ़िया शहर वालों से तो बहुत बढ़िया। इसने ड्रेस चेंज कर दी, इसने ड्रेस चेंज कर दिया, पहन दी काम वाले ड्रेस। अभी जाने का समय हो रहा और अभी कपड़े पहन दी। तो चलो व्लॉग करते हैं एंड, कैसा लगा जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और धूप बहुत लग रही तो व्लॉग है एंड करता है, और सब्सक्राइब जरूर करना है, प्यार सपोर्ट दिखाना, और कैसा लगा आज का व्लॉग ये भी बताना कमेंट करके, और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, बाय बाय। चैनल टू माय वेलकम।